प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका डिजिटल लर्निंग में हार्दिक स्वागत है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिए थे, स्प्लिट सेल्स तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डू यू मीन बाय मेल एंड मर्ज। ठीक है, मेल एंड मर्ज से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में भी इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको, मेल एंड मर्ज क्या होता है। एमएस वर्ड प्रोवाइड अ फैसिलिटी मेल मर्ज दैट अलाउ अ यूजर टू सेंड सेम मैटर ऑन डिफरेंट एड्रेसेस विद स्मॉल चेंजेस। ठीक है, तो एमएस वर्ड हमें एक और सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, प्रोवाइड अ फैसिलिटी सुविधा उपलब्ध करवा रहा है मेल मर्ज दैट अलाउ यूजर, जो हमें अलाउ करता है टू सेंड सेम मैटर ऑन डिफरेंट एड्रेसेस, कि हम सेम मैटर जो है वो अलग अलग एड्रेसेस के ऊपर भेज सकते हैं विद स्मॉल चेंजेस, थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ, थोड़े बहुत बदलाव के साथ। ठीक है, इसका जो मेन काम होता है ना, हम एक सेम मटेरियल वाला, चाहे वो लेटर हो सकता है किसी मैरिज के इनविटेशन के लिए, यानी कि हम लेटर लिखेंगे, जो मटेरियल लिखेंगे वो वन टाइम ही लिखेंगे, लेकिन जो एड्रेसेस होंगे वो अलग अलग एड्रेसेस के लिए हम उसको कस्टमाइज करके एक चंद ही सेकंड्स में बना सकते हैं। इन मेल मर्ज अ यूजर कंबाइन द कंटेंट्स ऑफ टू फाइल्स। अब मेल और मर्ज में यूजर क्या करता है कि दो फाइल्स के कंटेंट्स को मिक्स करता है, एक मेन डॉक्यूमेंट होता है एंड डाटा सोर्स, और दूसरा डाटा सोर्स होता है। ठीक है, द स्टेप्स टू मेल मर्ज इन एमएस ऑफिस 2007 आर। अब मेल मर्ज के लिए 2007 ऑफिस में जो स्टेप्स दिए हैं वो नीचे दिए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड को ओपन करके एक लेटर तैयार कर लेते हैं, एक मैरिज के लिए इनविटेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो सेम हम मैटर जो है एक ही बार लिखेंगे, लेकिन उस सेम मैटर को हम अलग अलग एड्रेसेस के लिए एक ही मिनट में तैयार कर लेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड, ठीक है, ये एमएस वर्ड ओपन है, ये एमएस वर्ड जो है 2013 या 2010 है। ठीक है, जो स्टेप्स दिए हैं वो 2007 के हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लेटर लिख लेते हैं टू, यहाँ पे हम खाली छोड़ देते हैं, एड्रेस जो है हम यहाँ पे नहीं भरेंगे। ठीक है, हम सीधा लेटर जो है यहाँ पे जो मटेरियल है उसको लिख लेते हैं, सब्जेक्ट इन्विटेशन ऑन माई एल्डर ब्रदर मैरिज। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर मैडम विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल ऑन द मैरिज ऑफ माय elder brother that will take place on Sunday। ठीक है, थोड़ा बहुत ही लिखा मैंने मटेरियल। ठीक है, अब ये हमने एक मैरिज के लिए इनविटेशन लेटर तैयार किया। अब सेम यही लेटर जो है हम अलग अलग एड्रेसेस के लिए कैसे इसको तैयार करते हैं, थोड़ी सी देर, थोड़ी सी टाइम। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं थैंक यू, यहाँ पे हमने इसको खाली छोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं, बोर्ड कर लो, इसका जो साइज है साइज बढ़ा लो। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं लेटर को। ठीक है, सेव, सेव के लिए हम इसके लिए एक अलग फोल्डर बना के, यहाँ पे मैंने ये फोल्डर बना दिया मेल मर्ज नाम से। ठीक है, मेल मर्ज, और यहाँ पे फाइल का नाम रख दिया हमने इनविटेशन, और यहाँ पे सेव। ठीक है, ये सेव हो गया हमारा लेटर। अब चलिए शुरू करते हैं स्टेप्स। ठीक है, ये लेटर बन गया है, अब हम चलते हैं स्टेप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्लिक ऑन मेलिंग टैब इन एमएस फॉर 2007। ठीक है, यहाँ पे ये है मेलिंग टैब। ठीक है, उसके बाद क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज, उसके बाद हम क्लिक करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज और सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे लेटर। ठीक है,
क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज, नाउ सिलेक्ट मर्ज टाइप लेटर, मर्ज टाइप जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लेटर, ठीक है ये लेटर है। अब उसके बाद चलते हैं, नाउ क्लिक ऑन सिलेक्ट रिसीपेंट्स, अब रिसीपेंट्स जिसको जिसके लिए जिन लोगों के लिए रिसीपेंट्स मतलब प्राप्त करता जिनके लिए हम इस लेटर को तैयार करते हैं कर रहे करेंगे उनके हम नाम यहाँ पे भरेंगे इस ऑप्शन के अंदर। नाउ क्लिक ऑन सिलेक्ट रिसीपेंट्स एंड सिलेक्ट टाइप न्यू लिस्ट, ये रिसीपेंट्स हैं जिनको हमने जिनके लिए इस लेटर को बनाना है, टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो कॉलम्स हैं इनको हम कस्टमाइज करेंगे अपने तरीके से कि किसको भेजना है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, ये मोबाइल नंबर या पिन कोड वगैरह क्या क्या है उसका, ठीक है यहाँ पे कर देंगे हम कस्टमाइज कॉलम। अब यहाँ पे जो जो कॉलम चाहिए ठीक है वो रख लेंगे, बाकियों को हम डिलीट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनका नाम भी बदल सकते हैं, जैसे टाइटल है नहीं चाहिए तो डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम की जब हम यहाँ पे कर लेंगे सिर्फ नेम, ठीक है नेम के अंदर नेम भर देंगे। लास्ट नेम को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, यस। कंपनी नेम की जगह यहाँ पे हम इसको कंपनी को रहने देते हैं, यहाँ पे हम एड्रेस जो है उसको ही भर देते हैं, रीनेम करके यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। और एड्रेस लाइन टू को इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं, यस ठीक है। सिटी रख लेते हैं, स्टेट रख लेते हैं, जिप कोड की जगह इसको रीनेम कर देते हैं और इसका यहाँ पे लिख देते हैं पिन कोड, ठीक है पिन कोड हो गया। यहाँ पे कंट्री और रीजन, यहाँ पे होम फोन की जगह यहाँ पे मोबाइल फोन लिख देते हैं, मोबाइल फोन, ठीक है मोबाइल फोन हो गया। यहाँ पे वर्क फोन, वर्क फोन को रहने देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। और लास्ट में आ गया यहाँ पे ईमेल एड्रेस, ठीक है ओके कर देते हैं। ये देखो सारे के सारे कॉलम्स जो भी एड्रेसेस हमने भरने हैं उसी के हिसाब से हमने अपने मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे भर देते हैं नाम, जैसे श्री राकेश कुमार विलेज कक्कड़, सिटी यहाँ पे कड़ी भर देते हैं, चलो HP, पिन कोड यहाँ पे कंट्री आ गया इंडिया, मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे भर दिया हमने जो भी उसका मोबाइल नंबर है, ठीक है यहाँ पे rakesh@gmail.com का ईमेल आईडी भर दिया। ये हो गया एक एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एड्रेस भर देते हैं, श्री संजीव कुमार, यहाँ पे ऐसे ही भर सकते हैं, सनौव केसरला, ठीक है बिल्लिस आ गया यहाँ पे, बिल्लिस भर लेते हैं यहाँ पे जैसे बल्बो, ठीक है सिटी का कड़ भर देते हैं HP, यहाँ पे पिन कोड आ गया और यहाँ पे आ गया कंट्री, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया उनका और यहाँ पे आ गई ईमेल आईडी sanjeev@gmail है या तो जीमेल या याहू है तो yahoo.com, ठीक है ये दो एड्रेस हो गए। एक और एड्रेस भर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है यानी कि तीन, ये सेम लेटर जो है ये जो नीचे हमने सबसे पहले ये लेटर तैयार किया था ये तीनों एड्रेसेस के लिए सेम एकदम से तैयार हो जाएगा, ठीक है जितने भी मर्जी आप एड्रेस भर लो, ठीक है यहाँ पे भर देते हैं सोमेश सनौफ, यहाँ पे भर देते हैं सनौफ, ठीक है यहाँ पे बिल्लिस भर देते हैं BAGEHRA बगेड़ा, ठीक है यहाँ पे सिटी भी BAGEHRA बगेड़ा, ये समझाने के लिए है सिटी मत ऐसे समझ लेना, ठीक है। और यहाँ पे som@yahoo.com, ठीक है उसके बाद कर देंगे ओके, ठीक है ओके करने के बाद जो है ये सेव करने के लिए पूछेगा, ठीक है दो फाइल्स हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है ये इसका नाम हम रख लेते हैं इनविटेशन और इस फाइल को भी हम सेव कर लेते हैं मेल मर्ज के फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमने लेटर को सेव किया था, ठीक है क्योंकि इसमें मेल और मर्ज में हम कंबाइन करते हैं दो फाइल के कंटेंट्स को, ठीक है मेल मर्ज में एक लेटर सेव किया था, दूसरा आ गया ये डाटा सोर्स, इसको डाटा सोर्स बोल रहे हैं हम, ठीक है जिसके अंदर हमें एड्रेस रखे, ठीक है। स्टार्ट मेल मर्ज हो गया, रिसीपेंट्स हो गए जिनको हमने के लिए हमने इस लेटर को तैयार करना है, उसके बाद करेंगे हम इंसर्ट मर्ज फील्ड, ठीक है यहाँ पे आ जाएगी वो सारी की सारी फील्ड, नेम ठीक है ये नेम यहाँ पे आ गया,
ठीक है, यहाँ पे नेम आ गया, यहाँ उसके बाद आ गया एड्रेस, ठीक है, एड्रेस के बाद यहाँ पे आ गया सिटी, ठीक है, सिटी के बाद यहाँ पे स्टेट, स्टेट के बाद आ गया यहाँ पे पिन कोड, पिन कोड के बाद आ गया कंट्री, ठीक है, कंट्री के बाद आ गया यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आ गया ईमेल एड्रेस, ठीक है, ये सारी फील्ड्स हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है, सेव कर लिया इसको। अब चलते हैं, यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। नाउ क्लिक ऑन सेलेक्ट रिसिपिएंट, रिसिपिएंट भर दिए, एंटर डिटेल ऑफ पर्सन विद एड्रेसेस एंड क्लिक ओके, ठीक है, जितने भी पर्सन थे जो भी हमने एड्रेस भरने थे उनकी डिटेल भरी और ओके के ऊपर क्लिक कर दिया। वी कैन ऑल्सो कस्टमाइज कॉलम नेम, कॉलम के नाम भी हमने कस्टमाइज किए बाय क्लिकिंग ऑन कस्टमाइज कॉलम ऑप्शन, ठीक है, बदले थे ना हमने कॉलम के नाम, वीडियो को देख लेना आपने बार बार, ठीक है। सेव द डेटाबेस ऑन डेस्कटॉप और इनसाइड द ड्राइव, उसके बाद हमने डेटाबेस को सेव किया था, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन इंसर्ट मर्ज फील्ड, फिर हमने एक एक करके सारी की सारी मर्ज फील्ड को वन बाई वन करके डॉक्यूमेंट के ऊपर इंसर्ट कर दिया। नाउ क्लिक ऑन इंसर्ट मर्ज फील्ड एंड इंसर्ट ऑल फील्ड्स वन बाई वन ऑन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन फिनिश एंड मर्ज एंड क्लिक एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट स्टेप जो है फिनिश, ठीक है, पहले यहाँ पे गए, फिर सेलेक्ट रिसिपिएंट पे गए, फिर हमने मर्ज फील्ड्स को इंसर्ट किया, उसके बाद फिनिश एंड मर्ज पे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ऑल ओके, ये देखो, ठीक है, टू यहाँ ऊपर था और यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो ये एड्रेस आ रहे आगे जो हमने डेटाबेस के अंदर भरे थे, यानी कि सेम लेटर जो है वो इन सारे के सारे एड्रेसेस के लिए ऑटोमेटिक एक एक क्लिक पे तैयार हो गया। तो ये है मेल एंड मर्ज का फायदा, जरूरी नहीं है कि इससे इनविटेशन लेटर्स ही बनते हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से बहुत सारे ऑफिशियल काम होते हैं हमारे डिपार्टमेंट के, ठीक है, यानी कि मटेरियल एक बार लिख दिया और मान लो कि एड्रेसेस जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो एड्रेसेस एक जगह पे हमने इकट्ठे लिखे, उनको यहाँ पे इंसर्ट किया और एक एक क्लिक पे सारे के सारे एड्रेसेस के लिए वो सेम मटेरियल वो तैयार हो गया। तो सेम ऐसे ही हम बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, या अपनी आपका कोई बिजनेस है उसके लिए कोई मटेरियल ऑर्डर करना है अलग अलग कंपनीज के लिए, तो उसके लिए सेम मेल एंड मर्ज की हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेल एंड मर्ज का फायदा है। तो आज के लिए मेल एंड मर्ज काफ़ी था, कल हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, ठीक है, तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद जय हिमाचल।